अखिल भारतीय असम राइफल्स भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन का पांचवा सम्मेलन आज नगरी पालमपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के नेपाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, यूपी, नागालैंड आदि राज्यों से 500 भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में असम राइफल सैनिकों की समस्याओं व मांगों के बारे में मंथन किया गया। वहीं ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कोल सिंह ने बताया कि उनका मुख्य मुद्दा दोहरी कमांड है। उन्होंने बताया कि असम राइफल्स की ड्यूटी आर्मी की तरह ही होती है। आर्मी के अधिकारियों के द्वारा ही हमें दिशा निर्देश दिया जाता है, लेकिन असम राइफल्स को जो सुविधाएं मिलती है वह गृह मंत्रालय से मिलती है, जो बिल्कुल अनुचित है। इस अन्याय के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी चला हुआ है, जिसमें कोर्ट से सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें आर्मी की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए करके सुनाया गया है। तो ये हमारा और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो है एक ड्यूअल कमांड का, दोहरी कमांड, जो हमको जो हमारी मुख्य कमांड जो काम है हमारा वो डिफेंस के अंडर में है, और जबकि हमें जो सुविधाएँ हैं वो हमें गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं। तो इसके रूप में हमारा एक कोर्ट में केस चला हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में ये चला हुआ है, जिसका 19 नवंबर को इसकी एक दोबारी सेकंड हियरिंग है, जो उसने है छठी हियरिंग है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि इसके बारे में हमको 19 नवंबर को ये बताओ कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अभी 19 नवंबर को अभी कैबिनेट कमेटी की इन्होंने मीटिंग रखी थी, वो क्या डिसीजन लिया है इसके बारे में हमें तो ये कुछ पता नहीं है, लेकिन 19 नवंबर को हमें ये पता चलेगा। संभव है हम इसमें दोहरी कमांड का जो केस है हम लोग अपने हमारे हक में होगा और हमको ये जीत हासिल होगी और हमारा ये दोहरी कमांड से हमको मुक्ति मिलेगी। तो ये हमारे हैं। उसके बाद में जो हमें सुविधाएँ दी गई हैं और दी जानी हैं उनके बारे में ये हम विचार विमर्श चला हुआ है, और सेवा काल के अभी हमारे जो सेवा काल के दौरान में जो शहीद हुए थे उनकी वीर नारियों को और जो जिनको अवार्ड जिनको पुरस्कृत किया गया था अवार्ड दिए गए थे उनको भी हमने यहाँ सम्मानित किया। ये लगभग हमारे स्थाई 28 व्यक्ति जो हमारे पुरस्कृत है वो हमारे यहाँ आए हुए हैं आज, तो उनको हमने सबको पुरस्कार दिया गया सर। तो हमारे ये चले हुए मुद्दे हैं, तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर में हम लोग अभी लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है। तो अभी ये पांचवा अधिवेशन इस बार हमको हिमाचल को मिला है, अगला हो सकता है कहाँ मिलेगा। तो मैं श्री राम रायशुनट त्रावड़ी विली चौपड़ी से रविंदर कुमार, मेरी तरफ से सभी त्रावड़ी वासियों और वह हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेश वासियों व शहर वासियों को श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार पुनः श्री राम रायशुनट त्रावड़ी की ओर से फिर से शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट गांव चौपड़ी त्रावड़ी की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट त्रावड़ी महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा त्रावड़ी नगर के निवासियों को एक बार फिर से श्री राम ग्रुप की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तरावड़ी के मशहूर बासमती चावल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड की खुशबू बना दे आपको दीवाना। इस दिवाली अपनी रसोई में लाएं गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड चावल, जो दे आपको खुशी और सेहत का खजाना। असली बासमती केवल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड। चेयरमैन लाला साधुराम सिंगला, MD रविंदर सिंगला, निदेशक विजय सिंगला, भारत विकास परिषद त्रावड़ी के प्रधान संजय सिंगला, एक्सपोर्ट मैनेजर महेश सिंगला तथा एडवोकेट राकेश सिंगला आपको दीपावली की बधाई दे रही है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।